हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एचटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पॉलिटिकल साइंस नागरिक शास्त्र के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, जो इसका 21वां पार्ट है। इसके पहले का वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित है, ठीक है। उत्तर दक्षिण समिट में किनके बीच संवाद होता है? जो उत्तर दक्षिण समिट बनाया गया है उसमें जो है किनके बीच संवाद होता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, गुटनिरपेक्ष देशों के बीच, गरीब और अमीर देश के बीच, साम्यवादी और साम्यवादी गैर साम्यवादी देशों के बीच, उत्तर और दक्षिण देशों के बीच। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उत्तर दक्षिण देशों के बीच एक उत्तर दक्षिण समिट नाम से एक संस्था बनाया गया है, ठीक है। और उत्तर दक्षिण के जो देश हैं वो आपस में संवाद करते हैं, विकास को लेकर के कई मुद्दों पर लेकर के चर्चा करते हैं, तो उसका नाम ही रख दिया गया है उत्तर दक्षिण समिट, ठीक है। तो ये उत्तर और दक्षिण के जो देश हैं आपस में जो है संवाद करते हैं, इसके लिए बनाया गया है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष यूएनओ को शांति नोबल पुरस्कार मिला? तो यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945, ठीक है, यूएनओ की स्थापना हुई थी, ठीक है। राष्ट्रसंघ की विफलता के बाद जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी यूएनओ का, और इसको पूछ रहा है कि शांति नोबेल पुरस्कार कब मिला। तो जितने भी संगठन हैं सबको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, सबको, करीब करीब सबको जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो ये पूछ रहा है प्रश्न में कि जो है यूएनओ को कब मिला था, तो ये मिला था 2001 में, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। तीसरा नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नौ यथार्थवाद सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? नौ यथार्थवाद पूछ रहा है, ठीक है। तो नौ यथार्थवाद के जो प्रतिपादक थे नौ यथार्थवाद सिद्धांत के, तो वो केनेथ वाल्टेज थे, ठीक है। केनेथ वाल्टेज जो है नौ यथार्थवाद का सिद्धांत को दिया था, और इसमें इन्होंने जो है सैनिकों को जो है काफ़ी महत्व दिया था, ठीक है। तो इसमें जो है सैनिकों को महत्व दिया था, और यथार्थवादी जो थे प्लेटो, अरस्तु और हाब्स ऑफ एज जो थे ये यथार्थवादी थे, ठीक है। तो इन्होंने समाज और राज्य पर जो है चर्चा किए थे, और नौ यथार्थवादी सिद्धांत में सैनिकों को भी महत्व दिया गया था, किसके द्वारा? तो केनेथ वाल्टेज के द्वारा, ठीक है। और नौ यथार्थवाद के प्रवर्तक भी केनेथ वाल्टेज ही माने जाते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही जाएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, लोक प्रशासन है, तो लोक प्रशासन क्या है? विशिष्ट राजनीति व्यवस्था का आवश्यक भाग, जनता द्वारा चयनित अधिकारी समूह, लोगों द्वारा निर्देशित यंत्र, विधायिका पर नियंत्रणकर्ता अंग। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जो लोक प्रशासन होता है, लोक का अर्थ होता है सरकार, सरकार का प्रशासन, ठीक है, यानी विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था का आवश्यक भाग होता है लोक प्रशासन, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन शब्द की उत्पत्ति किस भाग से हुआ है? तो ये एड प्लस मिनिस्ट्रेशन से बना है, ठीक है। तो ये जो मिलकर बना है, तो ये किस भाषा से लिया गया है? तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, लैटिन भाषा से प्रशासन बना है, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो लैटिन, बहुत लोग अंग्रेजी इसको लगा देते हैं गलती से, तो ये लैटिन है, आप लोग याद रखिएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा प्रशासन एक नैतिक क्रिया और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता? किसने कहा प्रशासन एक नैतिक क्रिया और प्रशासक जो होता है नैतिक अभिकर्ता होता है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था आर्डवे टीड ने, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको एकदम रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा।
प्रशासन एक नैतिक क्रिया और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता, ठीक है। तो ये कहा था आर्डवे टीड ने, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। तो 63वां नंबर क्वेश्चन है, हम लोग थर्ड से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। राज्य के विकास में मुख्य भूमिका निभाई, तो किसने निभाई थी? राज्य के विकास में मुख्य भूमिका निभाई तो रक्त संबंध, धर्म, राजनीति, चेतना, आर्थिक गतिविधियों ने, ठीक है। तो राज्य के विकास में मुख्य भूमिका होती है रक्त संबंध से, रक्त मतलब भाई भाई प्लस कर दीजिए ट्रिक के माध्यम से, फिर क्या आता है धर्म आ जाता है उसका, ठीक है, फिर राजनीति में चेतना कितना है उसका, ठीक है, फिर जो है आर्थिक गतिविधि, ठीक है, उसका आर्थिक गतिविधि कैसा है, ठीक है। तो ये राज्य के विकास में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ये प्रश्न एक बार इसके पहले वाले भी वीडियो में हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, ये लगातार 2 वर्ष पूछा है, ठीक है, लगातार 2 वर्ष ईयर पूछा है ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में 2 बार लगातार पूछ दिया है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ये जो है आपका क्रम जो है याद रहना चाहिए, क्रम से रक्त संबंध, धर्म, राजनीति, चेतना, आर्थिक गतिविधि, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति है? तो कौन सा अनुच्छेद है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से प्रोत्साहन करने में, किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो डी अनुच्छेद 51 में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से प्रोत्साहित करने की शक्ति मिला है अनुच्छेद 51 में, ठीक है। और एक अनुच्छेद 51A करके पूछता है, ठीक है, तो अनुच्छेद 51A जो है भाग 4A में स्थित है, ठीक है। ये किससे संबंधित है? तो ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, 51A, ठीक है, 51A जो है ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इसमें राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, मौलिक कर्तव्यों का पालन करना, ये सब जो है इसमें व्यवस्था किया गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य में जितने भी वो स्टेटमेंट दिए गए हैं सारे के जो है उसको रक्षा करना, उसका पालन करना 51A में कहा गया है, ठीक है। ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, भाग 4 में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, भाग 4 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी आंसर आपका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से महात्मा गांधी द्वारा किसका प्रतिपादन नहीं किया गया? नहीं यहाँ पूछ रहा है। तो न्यासिता का सिद्धांत गांधी जी ने ही दिया था, पंचायती राज गांधी जी ने ही दिया था, मतलब उसमें भी इन्होंने अपना हस्तक्षेप किया था, और अहिंसा का सिद्धांत दिया था। ये केंद्रीयकरण का सिद्धांत जो है, ये केंद्रीयकरण का सिद्धांत जो है ये फेजलर ने दिया था, ठीक है, फेजलर ने दिया था। और केंद्रीयकरण जो होता है इसमें कर्मचारियों को जो है केंद्र में स्थापित करके कार्य कराया जाता है, जिससे जो है कार्य में प्रगति हो, और एक तरह से कह दिया जाए कि वहाँ काम चोरी नहीं चल पाती है, ठीक है। तो केंद्रीकरण का सिद्धांत यही बताता है, तो इसको जो है फेजलर ने दिया था, ठीक है। तो इस प्रश्न के अनुसार तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, केंद्रीकरण का सिद्धांत जो है महात्मा गांधी नहीं दिया था। 66 नंबर क्वेश्चन है, प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक इसलिए कहते हैं क्योंकि? तो आदर्शवादी जनक क्यों कहते हैं उसको? तो उसको इसलिए कहते हैं कि उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया है, ठीक है, अच्छाई के विचार पर आधारित किया है, ठीक है। वास्तविकता तथा मूल्य के बीच दोहरी व्यवस्था स्वीकार किया ये तो किया ही नहीं था। उस सिद्धांत में मनुष्य की प्रकृति क्या है पर आधारित न होकर, ये तो पर आधारित न होकर नहीं था, पर आधारित होकर था, ठीक है, इसलिए ये भी सही स्टेटमेंट गलत है। उसने नगर राज्य के आदर्शों को बताया तो गलत है, ठीक है। तो उन्होंने जो है अच्छाई सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया था, और इसमें जो है सब इन सभी को समाहित किया था, यहाँ पे आधारित था, ठीक है। और उसने नगर राज्य को राज्य के आदर्शों को बताया, आदर्श नहीं बताया था, उन्होंने नगर राज्य की स्थापना के लिए जो है स्टेटमेंट दिए थे कि पहले राज्य आता है मनुष्य आता है, इस तरह से कुछ उनकी रिपब्लिक जो पुस्तक थी उसमें जो है दिया था। तो बहरहाल इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, पंथ निरपेक्षता के दर्शन में निहित है, तो पंथ निरपेक्षता के दर्शन में जो है सभी धर्मों के प्रति सम्मान, डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। उसी को पंथ निरपेक्षता जो भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना में है ना पंथ निरपेक्षता, तो उसका मतलब है सभी धर्मों के प्रति सम्मान, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा।
68 नंबर क्वेश्चन है, समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया। यह कथन किसका है? समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया, तो ये कथन था लॉर्ड एक्टन का। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, किसका विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता है। ये कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत पॉपुलर है, तो ये कहा था मैकियावेली साहब ने। ठीक है, अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन उसकी संपत्ति की जो हानि हो जाती है वो कभी नहीं भूलता, बदला लेने के लिए हमेशा उतावला रहता है। तो ऐसा कहा था मैकियावेली ने। ये बहुत ही पॉपुलर कोटेशन है, इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 71 नंबर है, किसने कहा आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा का साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है? तो ये कहा था ब्लंसली ने। ठीक है, ब्लंसली ने कहा था कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा का साधनों पर एकाधिकार, ठीक है, तथा उसकी जो है वैधानिकता है। तो ये ब्लंसली ने कहा था, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के प्रमुख प्रमुख प्रतिपादक थे? कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का प्रमुख प्रतिपादक थे, कौन थे? तो डीएच कोल थे। ठीक है, जी डीएच कोल। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जा रहा है। इन्होंने ही जो है कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का जो है प्रतिपादन किया था, तो बी ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।